हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई नो कि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है, बिकॉज गाइस मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। अभी भी ठीक नहीं हूँ मैं, बट स्टिल ये वीडियो जो है वो बना हुआ था, तो मैंने सोचा इसको पोस्ट करती हूँ। सो ये वीडियो बहुत पुरानी है, 8 अप्रैल की है, फ्राइडे था। सो हम रियांस को लेकर गए थे पार्क ईस्टर के टाइम पे। उसने एक काइट ख़रीदा था, वो बहुत एक्साइटेड था उसको फ्लाई करने के लिए। तो हम उसको लेके गए थे, हमारे घर के पास एक पार्क है तो वहाँ हम उसे लेके गए थे। तो ये देखिए, यहाँ पे रियांस काइट फ्लाई कर रहा है, उसके साथ साथ हमने भी थोड़ा इन्जॉय किया। तो गाइस घर आ गए हैं हम वापस, और डिनर में मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। तो उसका जो प्रिपरेशन है मैं करके गई थी, उसका स्टफिंग मैंने बना लिया था और आटे का डो भी बना लिया था। इससे क्या होता है, मेरा थोड़ा काम इजी हो जाता है। अच्छा किया था मैंने जो मैंने बना के गई थी, बिकॉज़ बाहर आप जाते हो तो थोड़ा टायरिंग तो हो ही जाता है। सो डिनर में था हमारा गोभी का पराठा। तो गाइस सैटरडे हमारा कार का सर्विसिंग था, अपॉइंटमेंट था 8 o'clock। तो उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, और नेक्स्ट डे संडे रियांस के स्कूल में। सो गाइस संडे को रियांस के स्कूल में उसका परफॉर्मेंस था, सिंग करने वाला था। बच्चों ने कुछ प्रिपेयर किया था, टीचर ने बोला था पाम संडे था तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल में कुछ फंक्शन थे, तो उसमें पेरेंट्स को भी जाना था, तो हम भी गए थे। अच्छा लगता है अपने आँखों से अपने बच्चे को परफॉर्म करते देखना, सो काफ़ी अच्छा लगा। रियांस ने सिंग किया तो बहुत अच्छा था। सो उसका ये कुछ क्लिप्स है जो मैं ऐड कर रही हूँ आप लोग के लिए, आप देखो। Teachers are gonna lead them on out.
सो गाइस रियांश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो हमने उसे पूछा कि आपको क्या खाना है आप बताओ, तो इवनिंग में उसने बोला कि मुझे मम्मा पिज़्ज़ा खाना है, तो उसके लिए हम लोग पिज़्ज़ा खरीद के लेके आए। सो ये था हमारा संडे का डिनर। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर मेरी वीडियोस में कुछ भी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, और मैं फिर से मिलूंगी आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।